अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो कॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो ग्लो नहीं करता यानी चमकता नहीं है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो चमकता है, ऐसा क्यों? सो आंसर, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ नाइक्रोम ग्लो बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग करेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो नाइक्रोम से बना होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जब नाइक्रोम से करंट पास करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से नाइक्रोम रेड हॉट हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये चमकने लगता है जो हीटिंग एलिमेंट है। बट द कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर मेड अप ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट बाई पासिंग करेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस। लेकिन जो कॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो कॉपर से बना होता है और कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है, इस वजह से जब करंट कॉपर से पास होता है तब नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होता है यानी कि ना के बराबर हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो कॉर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर का वो ग्लो नहीं करता है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। सो दिस इज़ द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।